हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रतिशत निकालने, यानी 20% का 30% कितना होगा, इसको हम निकालने के लिए सीखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि 20% को हटाएंगे तो हम 1/100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100 लिखेंगे। अब उसके बाद ये का मतलब होता है गुना, तो हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। ये 30 है तो 30% को हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। ये समझने वाली बात है। अब इसको हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20/100 है, और ये गुना का चिन्ह है तो गुना लगा देंगे। और इसको गुना करेंगे, 30 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, गुना करेंगे तो 100। कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले 100 मिलता है, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 100 मिलता है, काट देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार। अब देखिए, कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला है तो हम अच्छी तरह से इसको हम लिखेंगे। देखिए, ऊपर में 1 है और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। 50 चला है। आप अगर काटने का मन है तो काट सकते हैं, नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए, 50% का 75% कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, इस प्रतिशत को हम 50 × 1/100, कोई दिक्कत नहीं। इस का हटाएंगे तो हम गुना का चिन्ह देंगे और 75 × 75 × 1/100 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 50/100, और ये गुना का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा 75/100, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमको काटने का मन है तो काट देंगे, नहीं तो अन्यथा छोड़ देंगे। देखिए, 100 मिलता है, काट देंगे। इसको काटेंगे 5 × 2 = 10। अब देखिए, काटने वाला नहीं है, इसको काट सकते हैं 5 से। 15 × 5 = 75, 5 × 2 = 10, 20 हो गया। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 × 5 = 20। अब देखिए, काटने वाला नहीं है। अब जब काटने वाला नहीं है तो इसको हम, देखिए 1 है, इसको हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लिखिए, 1 × 3/2 × 4। अब इसको गुना करेंगे तो 3 × 2 = 4, आपका यही हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।